हेलो दोस्तों, मैं सुमित। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro वर्सेस Mi 11X। वैसे तो ये वर्सेस वाली वीडियो नहीं है, ये है भाई MIUI 12.5 की बाद का चार्जिंग टेस्ट। देखो दोनों डिवाइस है मेरे पास, Mi 11X है और ये है Redmi Note 10 Pro या फिर आप कह लो Pro Max। देखो इन दोनों डिवाइस के अंदर हाल ही में MIUI 12.5 इंडियन स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है। आई होप कि आपने भी इंस्टॉल किया होगा। और इन दोनों का जो बैटरी है वो मैंने कंप्लीटली डेड कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 00 आपको देखने मिलेगा, इसमें देख सकते हो यहाँ पर ये आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पर रेडमी आ चुका है इसके अंदर भी। भाई दोनों में बैटरी जो 0 है। जब मैंने इन दोनों फ़ोन को बाय किया था तो इनका भाई मैंने एक वीडियो डाला था कि आपको चार्जिंग टेस्ट क्या स्पीड देखने को मिलता है जब फोन के अंदर जो भी अपडेट निकल के आया था, यानी कि जो भी अपडेट था उसके साथ हमने चार्जिंग टेस्ट किया था। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओल्ड ऐसे लिख दूंगा मैं, ओल्ड वीडियो चार्जिंग टेस्ट करके लिख दूंगा, ठीक है। दोनों ही डिवाइस के मैंने किया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन MIUI 12.5 का अपडेट आने के बाद दोनों डिवाइस के अंदर MIUI 12.5 आ चुका है। हम यहाँ पर Redmi Note 10 Pro Max की मैं बता दूं, इसके अंदर जो वर्जन आया हुआ है भाई 12.0.2.0, इसके अंदर दो बार अपडेट आ चुका है MIUI 12.5 का। तो लेटेस्ट वाला इंस्टॉल है और इसके अंदर भाई एक ही अपडेट आया MIUI 12.0.5.0 जो है भाई 12.5.1.0 वाला जो है लेटेस्ट, वो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। देखने वाली बात ही रहेगी, अब देखते हैं भाई चार्जिंग टाइम यानी कि कितनी जल्दी ये करते हैं, क्या इंप्रूवमेंट मिला है, वैसे ही या फिर थोड़ा बहुत फास्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बता दो, दोनों ही डिवाइस के अंदर जो चार्जर आपको देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है, जिसमें कि एक 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर ये दिया है दोनों ही डिवाइस के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर भी लिखा हुआ 33 वोल्ट और इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। दोनों डिवाइस के अंदर सेम चार्जर, लेकिन जो बैटरी है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस फोन के अंदर बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, वो आपको देखने को मिलती है शायद 5020 mAh की इसके अंदर बैटरी आपको देखने को मिल जाती है Redmi Note 10 Pro Pro Max के अंदर। और जो इसके अंदर बैटरी आपको देखने को मिल जाती है ये आपको यानी कि 4500 की आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि पूरे 500 का फर्क है इन दोनों डिवाइस के अंदर। तो देखने वाली बात रहेगी कि भाई देखते हैं भाई क्या होता क्या नहीं। वैसे ये इन दोनों का भाई स्पीड टेस्ट नहीं है कि कौन सा फास्ट करता है कौन सा नहीं, मुझे पता 110% Mi 11X जीत जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि MIUI 12.5 के आने के बाद इन दोनों डिवाइस का जो चार्जिंग टेस्ट है वो किस तरह से होके आता है, ये देख सकते हो। ये दोनों भाई यहाँ पर मेरे पास चार्जर अवेलेबल है और डाटा केबल भी है, तो अभी मैं इन दोनों को लगा देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको देता हूँ भैया, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। इन फ्यूचर मेरे पास काफ़ी सारे डिवाइस आ जाएंगे या फिर जिस डिवाइस के अंदर अपडेट आएगा मैं उनका भी वीडियो लाऊंगा कि हाँ भाई इसके अंदर अब क्या चार्जिंग मिला क्या नहीं। तो बस छोटी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ जो बेल का आइकन है उसको और पर सेलेक्ट कर लो ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियोस बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो ऊपर की साइड हमने टाइमर भी लगा दिया और यहाँ पर मैं अपने चार्जर को फिट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोनों चार्जर को मैंने फिट कर लिया, तो ये यहाँ पर हम भाई क्या करते हैं अब दोनों का हम एक साथ यहाँ पर एक सेकेंड को कनेक्ट कर दिया, लेकिन अभी मैंने स्विच को ऑन नहीं किया, बस स्विच ऑन करना बाकी है तो उसको भी अभी हम ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कैमरा थोड़ा सा दिक्कत दे रहा, अब सही है, थोड़ा सा जूम कर रहे थे जिससे कि आपको सही तरह से दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं अपने स्विच को ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमने स्विच को ऑन कर दिया और टाइमर को भी स्टार्ट कर दिया है। और देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर तो लाइट आ चुकी है और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जला है कि नहीं जला है। तो भैया इसके अंदर आई डोंट नो कि चालू हुआ है, तो इसको भी हम चालू कर देते हैं। तो चालू हो चुके हैं दोनों डिवाइस, तो अब देख लेते हैं भाई कि सबसे पहले कौन सा डिवाइस यहाँ पर चार्ज होके आता है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा भाई कैमरा क्यों नहीं फोकस करता है एक जगह, पता नहीं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर टाइम जो चालू हो चुका, और ये देख दिखा दूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैटरी का आइकन देखने को मिल रहा है क्योंकि दोनों डिवाइस जो कम्प्लीटली डेड है यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर हम टाइम वाइज करेंगे, पहले 5 मिनट करेंगे, फिर उसके बाद 10 मिनट करेंगे, उसके बाद सीधे डायरेक्ट आधा घंटा, फिर 1 घंटा, ठीक है, ऐसे करेंगे हम। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो सिंपल यहाँ पर अभी सेकेंड ही हुए, 40 सेकेंड हुए, तो 5 मिनट का वेट कर लेते, फिर देखते भाई कितना ये चार्ज दोनों फ़ोन हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर 11 मिनट हो चुके हैं, मैंने 5 मिनट वाला स्किप कर दिया था, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट आप बोल सकते हो, 11 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। आप देख लेते हैं कितना ये चार्ज हुआ है, यहाँ पर आप Mi 11X की हम देख लेते हैं ये कितना परसेंट चार्ज हुआ है। तो यहाँ पर भाई चालू हो जाए, चालू होके भाई आपको मे भी दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो 1 सेकेंड,
अब यहाँ पर आपको सही तरह से दिखाई देगा, ये देखिए तो 25% ये चार्ज हो चुका है 11 मिनट के अंदर, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर रेडमी नोट की बात कर ले तो ये भाई ये क्या भाई, ये 9% ही चार्ज हुआ भाई, ये क्या सीन हो रहा भाई, पता नहीं भाई। देख सकते हो यहाँ पर ये 11 मिनट हो चुके और ये 9% चार्ज हुआ भाई, ऐसा कुछ मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है 9% क्यों हुआ चार्ज 10 मिनट में यार, पता नहीं क्या हो रहा, जो भी हो रहा है ये आपके सामने हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर रुक लेते हैं आधे घंटे के लिए, आधे घंटे में देख लेते हैं ये कितना परसेंट चार्ज होके आते हैं। तो गाइस यहाँ पर 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हो और यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ मी 11X की। तो सबसे पहले मैं बता दूँ भाई हीट का, तो मी 11X जो भाई काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, क्योंकि भाई देखो एसी वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल पंखा चल रहा है और ये फ़ोन को ज़्यादा फास्ट चार्ज हो रहा है, इस वजह से थोड़ा हीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हीट होना भी चाहिए। तो देख लो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे तो आपको सही तरह से नहीं दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पर 61% यहाँ पर चार्ज हो जाता है भाई 30 मिनट के अंदर। चल देख सकते हो बिल्कुल डबल ये चार्ज हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स यहाँ पर 30% भी चार्ज नहीं हुआ, 29% है भाई, क्या नशे चल रहे हैं Redmi Note 10 Pro Pro Max के। एक तो तुमने इतने फ़ोन की हाइप मचा दी कि ये है वो है सुपर एमोलेड फलाना डिंग का, और चार्जिंग तुम इसमें दे रहे हो यार वही वाली होगी ना 10,000 वाले फ़ोन के ऊपर, भाई 30 मिनट के अंदर 30% चार्ज हो रहा है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 1%, क्या है भाई इसको 33 वॉट चार्जर बोलते हो या फिर 10 वॉट का चार्जर बोलते हो भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। बाकी अब रुक लेते हैं भाई 1 घंटा या फिर मैं 50 मिनट, मेरे को पता है कि ये जो मी 11X है ये 1 घंटे पहले ही चार्ज हो जाएगा, तो देख लेते हैं जैसे ये फुल चार्ज होता है तब मैं आपको दिखा दूंगा, वरना 50 मिनट पर मिलते हैं फिर देखते हैं कितना ये चार्ज हो जाते हैं। सो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो मी 11X है भाई ये यहाँ पर फुल्ली चार्ज हो चुका है 100%, यहाँ पर आप देख सकते हो 100% ये चार्ज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ ये फ़ोन 1 घंटा 4 मिनट में ही चार्ज हो गया था और इसको भाई 99% ये हो गया था भाई, यहाँ पर शायद 58 मिनट में ये 99% चार्ज हो गया था, तो 100% होने में 6-7 मिनट इसको लग गए। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज करो 95% तक ही चार्ज करो। तो इसको हमने निकाल दिया भाई कि ये तो फुल चार्ज हो चुका है, इसको हम साइड में रखते हैं। लेकिन Redmi Note 10 Pro Pro Max के भैया का इनका क्या हाल है ये देख लेते हैं, 67% भाई, ये बिल्कुल 1 मिनट हर मिनट, यानी कि देख सकते हो यहाँ पर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा 6 मिनट हो रखे तो बस ये 1% आगे चल रहा है भाई, क्या हो रखा है ये मैं समझ में नहीं आ रही। 33 वॉट फास्ट चार्जर है या फिर 10 वॉट का चार्जर है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें भी अभी भी मेरे को लग रहा है भाई 40 मिनट या फिर 50 मिनट अभी भी लग सकते हैं, क्योंकि ये हर मिनट में 1% चार्ज कर रहा, तो 1 घंटा 40 मिनट के चलो तभी 100% होगा, क्योंकि 60 और 40 हो जाते हैं 100, तो देखते हैं भाई 1 घंटा 40 मिनट में ही हो पाएगा। तो अभी देखते हैं 1 घंटा 30 मिनट में कितना हो जाता है, बाकी यार बहुत लेट स्लो चार्ज हो रहा है। तो देख लो Redmi Note 10 Pro Pro Max अभी भी MIUI 12.5 का अपडेट आने के बाद भी भाई इतना लेट हो रहा है, लेकिन MI 11X पहले भी इतना होता था, कुछ ज़्यादा खास फर्क मेरे को नहीं लगा। बट मैंने एक बार इसको चार्ज किया था MI 11X को, तो ये भाई 1 घंटे से पहले हो गया था, बट अभी इस टाइम पता नहीं क्यों थोड़ा सा लेट हुआ 1 घंटे के बाद, शायद 2 फोन एक साथ चार्ज पर लगा रखे इस वजह से। बट जो भी मी 11X सही है पहले जैसे ही है, अब यहाँ पर आप देखो इसका मुझे लग रहा और लेट भी हो गया, क्योंकि पहले ये जो फ़ोन था भाई 1 घंटा 32 मिनट के आसपास ये चार्ज हो गया था जब मैंने इस फ़ोन को बाय किया था MIUI 12 के साथ ही आया था। MIUI 12.5 में मेरे को कोई अच्छा रिजल्ट तो मिल ही रहा, आप देख लेते ये डिवाइस हमारा कब फुल चार्ज होके आता है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो 1 घंटा 30 मिनट ये हो चुका है, तो आपके हिसाब से कितना हो चुका होगा चार्ज, तो 60 और 30 होते 90% तो हो जाना चाहिए। तो भाई देखो पूरा 90 ही हुआ है भाई, जो मैंने सोचा वो है, यानी कि ये हर 1 मिनट में 1% ही चार्ज कर रहा है, 60 और 30 होते 90, तो यहाँ भी 90 ही हुआ है, तो यार ये क्या कर रखा है समझ में नहीं आ रहा। फास्ट चार्जर बोलते हो फिर भी 1 मिनट में 1% को कोई फास्ट चार्जर तो बोलता नहीं, 1 मिनट में कम से कम 2% तो हो चार्ज, 2 नहीं तो 1.5% तो हो, यानी कि 3 मिनट में 2% चार्ज होता कोई दिक्कत नहीं है, बट यार 1 मिनट में 1% चार्ज होता कहाँ का फास्ट चार्जर है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। पहले ये जो फ़ोन जब मैंने इसको बाय किया था ये 1 घंटे शायद 3-4 मिनट और लगे थे इसको, ये फुल चार्ज हो गया था, लेकिन अभी भी इसको लग रहा है मेरे को 10 मिनट या फिर 15 मिनट लग सकते हैं। तो वेट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं फुल ये कब होता, 99 जब हो जाएगा जब मैं आपको दिखा दूंगा, तो थोड़ा सा हम और वेट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर 1 घंटा 51 मिनट हो चुके हैं, मतलब भाई पता नहीं क्या सीन चल रहा है Redmi Note 10 Pro Pro Max का, अभी भी ये फ़ोन 99% ही चार्ज यहाँ पर हुआ है, 100% अभी भी नहीं हुआ। ये 1 घंटा 30 मिनट के अंदर 90% हो गया, चलो ठीक है 1 मिनट हर मिनट में चार्ज हो रहा है, यानी कि 1 मिनट में 1% चार्ज हो रहा है ठीक है, लेकिन 40 मिनट पर भैया 1 घंटा 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पर 22 मिनट और फालतू हो चुके हैं, 10% को चार्ज करने में
22 मिनट लग चुके हैं और ये यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 99% है। तो मैं वीडियो को आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को पता है ये ज़्यादा से ज़्यादा भाई यहाँ पर 2 घंटा ले लेगा। तो बाकी ये देख लो आप 99 क्या करो, क्योंकि देखो भाई मेरा कहना ये है कि आप पूरा 100% फ़ोन को चार्ज मत करो। मैं भी वीडियो को आगे ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, 2 घंटे की वीडियो होगी, वीडियो को एडिट करना है, बहुत सारा काम है इस वजह से। तो हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मैं आपको देखो आपको बता 2 घंटे मान के चलो, इसको 1 घंटा 55 मिनट मान के चलो, क्योंकि 1% रह गया है, 99% ये चार्ज हो चुका है यहाँ पर, जिससे 99% ये चार्ज हो चुका है। और हमारा मी 11X कहाँ है, ये इधर साइड में पड़ा हुआ है, इसको तो मैं यूज़ भी करने लगा था क्योंकि ये 100% चार्ज हो चुका है। तो देख लो भाई आपके साथ ही है भैया, MIUI 12.5 का अपडेट आने के बाद ये और भी ज़्यादा स्लो हो चुका है। भाई Xiaomi वालों क्या कर रही है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, 33 वोट का चार्जर है या फिर बस उस पर लिखा हुआ है 33 वोट का, अंदर 18 वोट ही है भाई, क्या है? जरूर से भाई जरूर से बताओ हमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। बाकी यार यही था आज की इस वीडियो में, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाने चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये जो फ़ोन है भाई यार ये चार्ज हो जाएगा 110%, अभी देख सकते हो 99 अभी भी अटका हुआ है, 55 पे चार्ज हो जाएगा, वरना भाई इसको दो घंटे तो पूरे लग ही जाते हैं। तो ये थे आज की इस वीडियो में, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।